दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की मांग को लेकर असेंबली में बीजेपी पार्षदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हंगामे के कारण 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के बाद दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। आम आदमी पार्टी के 3 और भाजपा के 3 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में विजेता घोषित किए गए। आम आदमी पार्टी से आमिर मलिक, मोहिनी जिनवाल और रमिंदर कौर सदस्य चुनी है। वही आपकी सारिका चौधरी चुनाव हार गई। भाजपा की ओर से पूर्व मेयर रह चुकी कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा विजेता घोषित किए गए। यह आपको बताते चले कि 24 फरवरी को यह चुनाव हुआ था, लेकिन हंगामे के कारण मेयर ने दोबारा चुनाव करने की घोषणा की थी। इसके विरोध में बीजेपी ने मेयर के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की मांग को लेकर असेंबली में बीजेपी पार्षदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हंगामे के कारण 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के बाद दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। आम आदमी पार्टी के 3 और भाजपा के 3 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में विजेता घोषित किए गए। आम आदमी पार्टी से आमिर मलिक, मोहिनी जिनवाल और रमिंदर कौर सदस्य चुनी है। वही आपकी सारिका चौधरी चुनाव हार गई। भाजपा की ओर से पूर्व मेयर रह चुकी कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा विजेता घोषित किए गए। यह आपको बताते चले कि 24 फरवरी को यह चुनाव हुआ था, लेकिन हंगामे के कारण मेयर ने दोबारा चुनाव करने की घोषणा की थी। इसके विरोध में बीजेपी ने मेयर के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।